हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी साह ने सदर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अपर समाहर्ता संतोष कुमार सिंह मौजूद रहे। अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्यालय का भ्रमण कर भूमि हस्तांतरण, अवैध जमाबंदी, म्यूटेशन, आगत निर्गत पंजी, नीलाम पत्रवाद, लगान निर्धारण के मामले, जिले से आए पत्रों के कंप्लायंस, कैशबुक आवंटन पंजी एवं भूमि से संबंधित अन्य मामलों की जांच की। जांच के क्रम में कैशबुक, सीएल पंजी, जन शिकायत आदि महत्वपूर्ण पंजियों के अद्यतन न होने पर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई एवं इस पर नाजिर एवं प्रधान लिपिक पर शो कॉज करते हुए अन्य को कार्यप्रणाली व्यवस्था में सुधार लाने की सख्त चेतावनी दी। प्रखंड कार्यालय में आकस्मिक अवकाश पंजी, आगत निर्गत पंजी, सूचना अधिकार पंजी, अंकेक्षण पंजी, वाहन लॉग बुक, जन शिकायत पंजी, पेंशन पंजी, सर्विस बुक, सरात पंजी एवं बंदोबस्त पंजी की अद्यतन स्थिति की जांच उपायुक्त द्वारा की गई। उपायुक्त कार्यालय से आए पत्रों के कंप्लायंस की जानकारी लेने के साथ साथ उपायुक्त ने कर्मियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया। उपायुक्त ने प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उपस्थित सीओ और बीडीओ से कार्यालय में कर्मियों की वर्तमान संख्या की जानकारी ली। इस पर सीओ ने उपायुक्त को बताया वर्तमान में 8 राजस्व कर्मचारी, 5 लिपिक, 5 कंप्यूटर ऑपरेटर तथा 3 अनुसेवक कार्यरत हैं। बावजूद इसके कार्यों में लापरवाही पर उपायुक्त ने इसे अत्यंत खेदजनक बताया। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अंचल व प्रखंड में लंबे समय से कार्यरत कर्मियों की बहुत शिकायत प्राप्त हो रही है, जल्द ही वैसे कर्मियों का स्थानांतरण किया जाएगा। उपायुक्त ने सीओ और बीडीओ को कर्मियों के साथ नियमित समीक्षा बैठक करने एवं क्षेत्र भ्रमण कर तत्संबंधी कार्यों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस दौरान अंचल अधिकारी मयंक भूषण कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी नीतू सिंह सहित प्रखंड और अंचल के सभी विभागीय पदाधिकारी, कर्मी, अभियंता, पंचायत सचिव, जनसेवक, राजस्व कर्मचारी, ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे। हजारीबाग ब्यूरो, प्रदीप पाठक की रिपोर्ट।